स्वागत है आपको आपकी अपनी चैनल माय होममेड में। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में मछली को कैसे स्टोर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ कच्चा फ्रेश मछली ले लिया है। तो मछली को यहाँ पे मैं दो तरीक़ों से स्टोर करूँगी, एक तो है कटोरी में स्टोर करूँगी और दूसरा है प्लास्टिक में एयर टाइट करके स्टोर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मछली को धो के टुकड़े कर लिया है, यह आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने मछली का टुकड़े किया है। आज के डेट में हर कोई इतना बिजी है कि रोज़ रोज़ मछली लाके उसे काटना धोना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एक हफ्ते का मछली एक साथ लाऊं और उसे मैं अच्छे से स्टोर करूँ। तो यहाँ पे कटोरी में मुझे जितना मछली स्टोर करना था मैंने उतना मछली ले लिया है, बाकी का मछली मैं प्लास्टिक मेथड से स्टोर कर लूँगी। अब इस कटोरी में हमें पानी डाल लेना है। याद रहे पानी को आप उतने क्वांटिटी में डालें जितने में कि मछली जो है वो तैर सके, डूब सके और मूव कर सके, उससे ज़्यादा या उससे कम ना डालें। तो हो गया है हमारा कटोरी का मछली स्टोर करने का तरीका। अब हम इसको फ्रीज कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने फ्रीज में रख दिया है। बाकी का जो मछली है इसे अब हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर लेंगे। हल्दी जो है ये एंटी फंगल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, ये मछली को अच्छे से प्रिजर्व करके रखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा हल्दी डाल दिया है। बस हो गया है, हल्दी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक प्लास्टिक में अच्छे से एयर टाइट करके रख दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने मछली को प्लेस कर लिया है। मछली जो है वो एक दूसरे से चिपके नहीं, ऐसे से रख दे। अब मैं इसको पिनअप कर दूँगी, एयर को निकाल लूँगी और पिनअप कर दूँगी। अब मैं इन मछली को फ्रीज के लिए रख दूँगी। ये देखिए दूसरे दिन हमारा जो मछली है वो बिल्कुल फ्रेश है और इससे कोई स्मेल भी नहीं आ रहा है और ये बनाते वक्त टूटेगी भी नहीं। अब हम इसको नॉर्मल वाटर में रख देंगे ताकि इसका जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए। देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। इस तरीके से मछली स्टोर करने से मछली बिल्कुल फ्रेश रहता है। मछली जो है ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो आप ट्राई करें इसे आपके डिनर या लंच में ज़रूर लें। ये देखिए दूसरे दिन हमारा जो मछली है वो बिल्कुल फ्रेश है और इससे कोई स्मेल भी नहीं आ रहा है और ये बनाते वक्त टूटेगी भी नहीं। अब हम इसको नॉर्मल वाटर में रख देंगे ताकि इसका जो बर्फ है, हमने जो दूसरे तरीके से मछली को स्टोर किया था अब हम उन मछली को भी खोल के देखेंगे। हमने प्लास्टिक के पिन को खोल देना है और मछली को अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए मैं एक चम्मच के मदद से पिन को खोल रही हूँ। ये हमारा मछली जो है निकल गया है और ये मछली भी बहुत ही फ्रेश लग रहा है। आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मछली को भी फ्रेश वाटर में रख दे, ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा। तो ये थे मेरे कुछ मेथड। आपको अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।